अकर। सो गाइस 2GB रैम में हेडशॉट मारना इस टाइम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, बिकॉज 2GB रैम में भाई पहले जो मिलता था सेंसिटिविटी का साइज वो 100 मिलता था, बट अभी क्या है सेंसिटिविटी का जो साइज है 200 मिल रहा है। आप समझ रहे हो ना कितना नेक्स्ट लेवल का हो रहा है। एंड गाइस तुम्हारा भाई इस टाइम जो सेंसिटिविटी आपको दे रहा है उससे आपका जो गेम प्ले है ना भाई हैकर लेवल का होने वाला है, मतलब कि आपके सामने पीसी प्लेयर भी फेल है। सो इस वाली वीडियो को एंड तक देखना। एंड हाँ, जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप लोग जरूर से कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक पे किस डिवाइस पे वीडियो चाहिए, उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। सो वीडियो में जरूर से कमेंट कर देना। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यार बिना किसी देरी के। एंड यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हो जनरल ट्रेडो 2x 4x स्नाइपर एंड फिर लुक। अभी देखो यार इनमें से कौन सा ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट होगा जो आपको हेडशॉट में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, वीडियो में पता चल जाएगा अगर बन रहे हो तो। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फ्री लुक से। अब देखो यार ये जो फ्री लुक होता है ना गाइस हमारे हेडशॉट में इसका बिल्कुल ही ना के बराबर वर्क होता है। सो टाइम बिना वेस्ट किए इसको हम इग्नोर करेंगे। एंड बात करते हैं अपने स्नाइपर स्कोप के बारे में। अब देखो स्नाइपर स्कोप जो होता है गाइस हमारे हेडशॉट में मदद तो नहीं करता है, बट हां इन स्कोप यानी कि अगर आप लोग ओम वगैरह यूज करते हो AWM वगैरह तो वहां पे इसका वर्क आता है। एंड गाइस इसका जो साइज है आपको 155 पे करके लॉक कर देना है, जो कि स्मूथ चलेगा एंड काफी ज्यादा हद तक कंट्रोल भी कर सकते हो। उसी के साथ हम बात करते हैं 4x स्कोप एंड 2x स्कोप। अब देखो यार जो 4x एंड 2x होता है इन स्कोप भी इनका वर्क होता है। बाकी देखो यार इन स्कोप अगर रेड नंबर देना चाहते हो ना भाई, कोई भी बंदा हो इन स्कोप अगर रेड नंबर देना चाहता है 2GB रैम में, तो आपको 4x स्कोप का जो साइज गाइज 180 एंड 2x का जो साइज है गाइज आपको 160 करके रख देना है। अब देखो दोनों का साइज डिफरेंट है, बट हाँ वर्क नेक्स्ट लेवल का करने वाला है, एक बार ट्रस्ट करके आप लोग इसे यूज जरूर करना। एंड उसी के साथ हम बात करते हैं अपने रेड डॉट। अब देखो यार बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो कि रेड डॉट को बोलते हैं कि हमारे हेडशॉट में मैटर करता है, बट ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये जो रेड डॉट है ना गाइस ये आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है एक रेड डॉट स्कोप, मतलब कि हमारा रेड डॉट कोई हेडशॉट वगैरह में मैटर नहीं करता है, इसका नाम ही होता है एक स्कोप, जैसे कि 2x स्कोप है एंड 4x स्कोप है, तो ये भी एक है एक स्कोप, बट इसमें क्या है ना रेड डॉट ही सिर्फ इसका नाम पड़ गया, रेड डॉट स्कोप होना चाहिए था। तो ये था एंड इसका कोई उतना बेनिफिट नहीं है, यूज भी नहीं करते हैं, सो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, इसका साइज कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड उसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल। अब देखो जनरल की वजह से हमारे ड्रैग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे हेडशॉट को इंक्रीज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर हमारा ड्रैग पावर इंक्रीज होगा तो हमारा हेडशॉट भी इंक्रीज होता होगा ही होगा, बाकी तो प्रैक्टिस के ऊपर मैटर करता है। एंड गाइस 2GB रैम में हमें सेंसिटिविटी का साइज कितना रखना चाहिए, अगर हम लोग 200 रखेंगे देन वहाँ पे बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि 200 रखने से हमारे हेडशॉट नेक्स्ट लेवल का रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपका रिकॉल मिस फायरिंग बहुत ही ज़्यादा हद तक दिखेगा। सो अगर आप कम रखते हैं तो बॉडी पर लॉक हो जाएगा, तो आपको परफेक्ट रखना है ना गाइस, आपको यहाँ पे रखना है 185 पे करके लॉक कर देना है, जो कि जनरल सेंसिटिविटी 2GB रैम में बहुत ही नेक्स्ट लेवल का काम करेगा। एंड ये था सेंसिटिविटी सेटिंग। बहुत सारे बंदे DPI के चक्कर में पड़ रहते हैं ना गाइस, ये सेंसिटिविटी सेटिंग यूज करो, इसके बाद आपका गेम प्ले जो है ना भाई नेक्स्ट लेवल का होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपकी सेंसिटिविटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, कमेंट करना ना भूलना कि आपको कोई सा भी कमेंट करना है अपने डिवाइस के ऊपर जो कि वीडियो चाहिए। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।